सब्सक्राइबर है ये अभी कब, मतलब पहले तो देख रहे थे, घूर रहे थे, ये नहीं कंफर्म कर रहे थे, फिर एकदम से पहचान लिया तो मिलने आ गए यहाँ पे। ये सोनिया इधर है, ये केकड़ी से है ना। आपका नाम? मनीषा। और आपका? वर्षा। सो गाइस, मैं तो हमेशा ये बोलता रहता हूँ वीडियो के अंदर, जितने भी सब्सक्राइबर हैं तुम्हारे भाई के, तो यार मतलब डरा मत करो यार, मिलने आ जाएगा। वीर बैग में डाल के ले जाएगा। सोनिया बोल रही है बैग में डाल के ले जाएगा। गाइस अभी एटीएम से निकाले 5000 रुपए, बहुत करके नोट है मस्त लग रहा है। पीछे चेक कर सकते हो सोनिया के, इधर इधर वहाँ खड़ी हो ना सोनिया। सो गाइस पीछे देख सकते हो इसको क्या बोलते हैं, ये कहाँ कहाँ है और कौन सी जगह पे है, आप लोग कमेंट। देखो गाइस मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि डरा मत करो, अगर तुम्हारे भाई के साथ फोटोज वगैरह खींचनी है तो खींच लिया करो। अभी सब्सक्राइबर मिले, मिल के चले गए, फिर बाद में भक्त से भक्त के हम जा रहे थे ना, जब मिलने के लिए आया भैया फोटोज वगैरह लेनी। Hey guys, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइज, और आप लोगों ने बहुत अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से मेला भी इंजॉय किया होगा, और कमेंट करके बताना जरूर कि किस किस ने मेला इंजॉय किया है, हमारे सब्सक्राइबर में से कौन कौन पुष्कर आया है, किस किस को अच्छा लगा है। और गाइज है ना, मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ, मतलब इतना एक दिन गया हूँ बस मेले में, और मेला इतना जल्दी खत्म हो गया, इतनी अब की बार ना इतनी भीड़ नहीं थी। और फिलहाल हम लोग अभी अजमेर जा रहे हैं कुछ काम के लिए, जो भी होगा आप लोगों को लोग में दिखाएंगे। नहीं, ये क्लच वायर है ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई केटीएम की, मतलब ये पूरी वायर चेंज करवानी पड़ेगी। सो फिलहाल अजमेर निकल रहे हैं अभी, और जल्दी जल्दी से निकलते क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, 4 तो यहीं बज गई, तो फिर वापस आते समय अंधेरा हो जाएगा बहुत सारा, सो सर्दी वगैरह भी लगेगी, सो जल्दी से निकलते हैं। सोनिया पीछे बैठी है, मिलते हैं। गाइस अभी हम लोग अजमेर पहुंच चुके हैं, अभी हम चौपाटी के चौराहे पे खड़े हैं दोनों के दोनों, बल्कि इनको एक ब्लॉग अपलोड करना है, अपलोड पे लगाना है। गाइस अभी एटीएम से निकाले 5000 रुपए, बहुत करके नोट है ना, मस्त लग रहा है, खड़ा करके नोट है ये, अब है ना इनकी गाड़ी के काम में आएंगे ये पैसे। पीछे चेक कर सकते हो सोनिया के, इधर इधर वहाँ खड़ी हो ना सोनिया। सो गाइस पीछे देख सकते हो इसको क्या बोलते हैं, ये कहाँ कहाँ है और कौन सी जगह पे है, आप लोग कमेंट करके बताना। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को बताएंगे यहाँ पे, बहुत सारी चीजें। आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल, हाँ वो भी दिखाएंगे आप। देखो सोनिया अभी 2 मिनट में ताजमहल पहुंचने वाली है सोनिया। हाँ, और यहाँ पे सबसे छोटा वही है। सही, देख सकते हो पीछे, चेकआउट करो ये कौन सी जगह है, कमेंट करके बताना। सोनिया इस जगह आ गई, और ये अजमेर में फ्री, यार अभी तो फ्री है, पता नहीं अभी थोड़े टाइम, मतलब पब्लिक को पता नहीं है ना, तो अभी थोड़े टाइम फ्री है आई थिंक, बाद में टिकट वगैरह लगेंगे शायद, देखते हैं। अभी बहुत सारी चीजें आगे भी दिखाता हूँ आप लोगों को, जगह और दिखाते हैं पीछे। आप लोग देखो पीछे कितना बड़ा, यार वाओ। और गाइस कमेंट में बताना कि ये बिल्कुल सीधा नहीं है, ये टेढ़ा बने हुआ, टेढ़ा है। हाँ ये चीज ध्यान रखना, ये जहाँ पे भी बना है ना, मतलब ओरिजिनल, ये तो कॉपी बनाई छोटी, मतलब छोटी ही बनाई, मतलब जहाँ पे भी है ना ये बहुत बड़ा है और टेढ़ा है, ये देखो पूरा टेढ़ा है ये, है ना सोनिया। बस ये वाला अच्छा लगा आई थिंक, ये देखो कितना बड़ा है, मतलब काफी प्यारा लग रहा है, और यहाँ की जगह भी काफी प्यारी है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, है सोनिया। भीड़ है अभी तो, हा? फ्री का माल है ना तो सब आएंगे। हाँ अभी क्या फ्री मिल रहा है ना, तो बाद में जब टिकट वगैरह लगने लग जाएगा ना, टिकट ना यहाँ की महंगी होगी ना, तो बहुत से लोग ना बाहर से शूट कर करके चले जाएंगे। हाँ ऐसा होगा, हमने तो ये सोचा था कि यार टिकट वगैरह हो गए तो ले लेंगे, और मतलब आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पे, काफी अच्छी जगह है, प्यारी है अजमेर में, आप लोग देखना। और बाकी सोनिया यहाँ पे उधर चलते, उधर किधर देख सकते हो बहुत सारे घूमने आ रहे हैं, क्योंकि अभी पुष्कर फेयर भी है, तो पुष्कर फेयर वगैरह जो भी घूम के आ रहे हैं ना, तो ये चीज देख के दूर से वैसे भी काफी अच्छी लगती है। अभी नाइट हुई नहीं, तो नाइट में मतलब लाइटिंग वगैरह हो जाएगी बहुत सारी, वो वाला दिख रहा है उसमें शायद, कौन सी लाइट है सोनिया? ब्लू कलर की ब्लू लाइट है उसमें शायद, पता नहीं कौन सी है, अभी नाइट में होगा तो आप लोगों को दिखाएंगे, है ना। और अभी मैंने फोटोज वगैरह भी क्लिक करी है, आगे देख सकते हो इधर सोनिया के आगे, ये वाला बहुत ही बड़ा है। और सोनिया इधर फोटो खींचेगा, तो मेरी फोटो खींचेगा, मेरे को खींचाना। और आप लोग ना हमको यहाँ के ना आधे नाम पता है, आधे नाम पता नहीं, आप लोग कमेंट में बताना कि इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। हाँ ये जरूर बताना, एक चीज का नाम पता है वो है ताजमहल, ताजमहल का पता है, बाकी हमने कभी ये चीज देखी नहीं। और आप लोग देख सकते हो यार कितना है, मतलब इस जो लोग जानते हैं कमेंट करके बताना, ये कौन सी चीजें हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं, इनके नाम जरूर बताना, ताकि हमें भी पता लगे यार ये जगह कौन सी जगह पे है। बाकी देखते हैं आप लोग, एक और चीज बताता हूँ, ये वाली जगह कौन सी जगह पे आप लोग कमेंट करके बताना, मुझे तो पता नहीं है, मैंने तो पहली बार देखी है। बाकी सोनिया के पीछे आप लोग देख सकते हो, ये वाली जगह जो है, ये पता नहीं इस पे लिखा होगा कहीं पे, है ना, बोट लगा रखा है ना सोनिया? नहीं, नहीं लगा रखा। और जिन लोगों को पता नहीं है, अभी हम देखते कहीं पे बोट वगैरह है, तो मतलब लिखा होगा कहीं बोट पे भाई ये जगह यहाँ की है, नाम पढ़ के जरूर बताएंगे आप लोगों को। आगे और भी बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, तो अभी आगे आगे चल रहा है, और अब मुझे ब्लॉग बनाना है, तो अभी पूछेंगे यहाँ पे नाम वगैरह क्या है यहाँ के।
सो गाइज ये है पीसा की झुकी मीनार। सो गाइज देख सकते हो ये मतलब इसमें पूरी डिटेल दे रखी है इस चीज की, कितनी ऊंचा है और कितना कितने साल का है ये, 200 साल तक चला है ये। ये चीज क्या है आप लोग कमेंट में बताना जरूर। आपको पता है इसका नाम, वो लिखा वहाँ पे कहाँ पे लिखा, इस जगह पे बना हुआ है, नाम दे रखा है पूरा, सब डिटेल वगैरह देख सकते हो आप। और पीछे देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है वो। अभी बहुत सारी चीजें इसको भी दिखानी है और हमें भी देखनी है। तो वैसे आप लोगों को ताजमहल दिखाता हूँ, मतलब आगरा का ताजमहल, ये तो सब जानते ही है कि आगरा में ताजमहल, क्योंकि ये फेमस जगह है आप लोगों को पता है। फिलहाल यहाँ पे छोटा सा एक और बन चुका है, आप लोग देख सकते हो पीछे कितना प्यारा, चारों तरफ से दिखाते हैं ताजमहल, जिसने नहीं देखा है वो अभी घुमा के दिखाते हैं हम चारों तरफ से, थोड़ी फोटोज वगैरह क्लिक कर लेते हैं पहले। पानी देख सकते हो यार कितना, मतलब इसके अंदर लाइट वगैरह है, लाइटिंग वगैरह का सेटअप कर रखा है तो काफी अच्छा ताजमहल के वहाँ पे ना वैसे कर, और हर बार कलर अलग है इसमें, हर बार कलर अलग निकल रहा है, देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। हाँ सोनिया तो गाइस अभी हम लोगों को ना एक चीज और दिखानी है आप लोगों को, आई मीन वो सबसे छोटी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा छोटी है, आपको दिखाती हूँ मैं अभी पहले ताजमहल क्या हुआ ताजमहल मैं तो बोला अभी ताजमहल हो रहा, ताजमहल भीड़ के पीछे बहुत अच्छा लग रहा है ताजमहल। तो गाइस ये अजमेर में, बाकी यार अजमेर वालों को अब आगरा जाना नहीं पड़ेगा, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को, मतलब कितने 7-8 अजूबे यहाँ पे, तो आपको मतलब अजमेर में, अजमेर वाले ना और पुष्कर वाले आसपास के गांव वाले हैं तो मतलब ये चीजें देखने के यहीं पे है, आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारी है। अभी हमारे सामने एक और चीज आप लोगों को दिखाते हैं, ये कहाँ का है कमेंट करके बताना, ये कहीं शायद रेगिस्तान या ऐसी कोई, मतलब जहाँ पे रेगिस्तान हो, मेरे को तो वैसा ही लग रहा है। मैंने पता है ये कौन से सीरियल में देखा, ये पिरामिड है ये। नहीं गाइज मैं जब ना मतलब हातिम का एक सीरियल आता था उसके अंदर था, मतलब वो ऐसा मतलब रहता है तो ढसक जाता है इसके, मतलब ये रहा आप लोग देख सकते हो बचपन में सबने वो सीरियल देखा ही हुआ है आपने, मतलब उसके अंदर वो जैसे बोलती ना मतलब व्हाइट, पूरा व्हाइट व्हाइट कपड़े पहनी होती, जब देखा था मैंने, नहीं झांसी की रानी नहीं, हातिम का सीरियल आता था उसके अंदर देखा मैंने सच में। गाइस आप लोग कमेंट करके बताना मतलब आप लोगों ने पहले भी देखा कहीं तो आप लोग देखना, दिखाता हूं तो ये कितना प्यारा लग रहा है, ये काफी अच्छा है, मतलब जहाँ पे ओरिजिनल है ना वहाँ, मतलब इसके मतलब अंदर जाने के रास्ते भी है कहीं से आई थिंक है ना, मैंने वो सीरियल देखा था ना उसके अंदर मतलब जाने का था, मतलब वो सीरियल है मूवी में भी रहता है, मूवी के अंदर भी, बाकी यहाँ पे तो नॉर्मली बनाया, और जहाँ पे ये ओरिजिनल है ना तो अंदर जा सकता है इसके अंदर, देखो कितना प्यारा है यार एकदम। और भी चीजें आप लोगों को दिखाते हैं, सब्सक्राइबर है ये अभी कब, मतलब पहले तो देख रहे थे घूर रहे थे या नहीं कंफर्म कर रहे थे, फिर एकदम से पहचान लिया तो अब मिलने आ गए यहाँ पे। ये सोनिया इधर है, ये केकड़ी से है ना, आपका नाम और आपका सो गाइस मैं तो हमेशा ये बोलता रहता हूँ वीडियो के अंदर, यार जितने भी सब्सक्राइबर हैं तुम्हारे भाई के, तो यार मतलब डरा मत करो यार, कौन सा वीर बेक में डाल के ले जाएगा सोनिया बोल रही है बेक में डाल के ले जाएगा। सो गाइस यार ये पीछे देख सकते हो ये है अमेरिका का, काफी प्यारा है, और बाकी सब्सक्राइब वगैरह भी है। सारी चीजें आप लोगों को दिखा दी, मतलब जहाँ पे पूरी की पूरी 7 चीजें हैं, 7 अजूबे है जिनको 7 अजूबे बोलते हैं, और बहुत सारी चीजें आप लोग देख सकते हो। एक बार फिर से घुमा के दिखा देता हूँ, एक ये है और एक वो है और एक वो है और उधर ताजमहल है सामने, और एक ये है यहाँ पे देख सकते हो, और बाकी इधर भी देख सकते हो, ये लाइक ये सोनिया है, तू भी है, 7-8 हो गए। सो गाइस एक ये है, ये है, पूरे के पूरे 7 है यहाँ पे। सो मतलब यार बहुत सारे लोगों का शौक रहता है कि हम भी जाएँ और फोटोज वगैरह खिंचवाएं, तो यार अपने शौक पूरे कर सकते हो। अजमेर में ये चौपाटी के पास बना ही है, वैसे आप लोग आना काफ़ी अच्छी लगेगी, आपको फोटोज वगैरह क्लिक हो सकती है, बहुत सारे रील्स वगैरह भी बनाते हैं तो उनकी रील्स वगैरह भी बन सकती है अच्छी खासी, तो हमें तो अच्छी लगी, और बाकी आप लोग आके देखना यहाँ पे तो मिलते हैं यहाँ से निकल। देखो गाइस मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि डरा मत करो, अगर तुम्हारे भाई के साथ फोटोज वगैरह खींचनी है तो खींच लिया करो, अभी सब्सक्राइबर मिले मिल के चले गए, फिर बाद में भग के हम जा रहे थे ना, जब मिलने के लिए आया भैया फोटोज वगैरह लेनी है, तो यार मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ डरा मत करो, तुम्हारे भाई से आराम से मिला करो, व्लॉग वगैरह बनाया करो, अगर कोई है व्लॉगर तो आराम से मिला करो। फिर अभी गाड़ी निकाल रहा है अपनी, और पता है मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है हमारे सब्सक्राइबर आते हैं हमारे साथ फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं, मतलब बहुत मतलब अंदर से खुशी मिलती है मेरे को बहुत ज्यादा, और क्या कहो है उनको, गाड़ी भी इतनी अंदर डाली है भीड़ नहीं निकल नहीं पा रही। और एक चीज दिखाऊँ आपको, हम यहाँ से निकले ही है और इसकी लाइटिंग वगैरह चालू हो चुकी है, नंबर प्लेट बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, और आगे ना ये लगाया है हमने बाबा श्याम का, बहुत अच्छा लग रहा है, हमने पीछे का है, पहचानने वाले लोग है ना इस वजह से ज्यादा पहचान जाते हैं, मतलब वीर सम्राट भाई की गाड़ी जा रही है अपनी, और ज्यादातर लोग ना अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, रोड बिल्कुल, और मैंने तो जैकेट पहन रखा है, आप लोगों को देख रखा मैंने जैकेट पहन रखा है।
वीर ने जैकेट नहीं पहन रखा है, इसको भी रास्ते में ठंड लगेगी देखना। सो गाइस लड़की पानी पसंद खा रही है देख सकते हो, और मैंने ये मेरे लिए लिया क्योंकि अभी जिम भी तो जाना है ना, अभी पेट में गड़बड़ हो जाएगी। टीका तो मैंने लिया नहीं, बस इसके अंदर दही डलवा लिया। पानी पसंद जब खा के फ्री हो गए, इसने पानी पूरी खाई 20 रुपए की, और मैंने क्या खाई थी वो चाट खाई थी मैंने, टिकिया खाई थी ओनली फॉर दही डाल के। सो फिलहाल अपनी गाड़ी को लेकर निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं दोनों यहाँ से, और अभी इनको ठंड भी लगेगी रास्ता ना देख, बहुत ज्यादा ठंडा है अभी मौसम भी। सो गाइस अभी हम लोग पुष्कर घाटी पहुँच चुके हैं, वीर अभी गाड़ी चला रहा है। वापस पहुँच गए यहाँ पे रूम पे, और आप लोग देख सकते हो ये तुम्हारे भाई ने डेकोरेशन इसका करवाया था, ये यूट्यूब का लोगो लगवाया था, और प्लेट नंबर चेंज करवा दी मैंने देख सकते हो, पूरा ये प्लास्टिक का लोगो है, और पीछे भी दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, ये देख सकते हो पीछे भी। दाल बाटी बना रही है आज, और ये अभी सूप पी रही थी। क्या हुआ, किस चीज का सूप है, क्या बोलते हैं इसको, सूप। अच्छा सूफ, क्या है, सर्दी में पीते हैं ना वो। अच्छा। मैंने इनको पिलाया तो इनको अच्छा नहीं लगा, तो दूसरा वाला है वो ट्राई करूंगी। सो फिलहाल अभी बाटी का आटा उसना है, और आज मैं छुल्ले की बाटी बना, दाल बाटी बनाएगी, और मैं जाऊंगा अभी जिम वर्कआउट करने। सो ये तो जा रही है दाल बाटी बनाने खुद के लिए, और तुम्हारा भाई जा रहा है जिम, आज वर्कआउट लगाएंगे बेक वाली, ठीक है ना, दबा के और फिर वापस आएंगे। सो गाइस ये एक दाल बाटी, और ये मतलब छुल्ले भी बनाई थी मैंने, इसमें घी वगैरह लगाया है, और इसमें दाल है, और ये आती गेम खेलने लग गया। सो भूख लग रही है, अभी खाना वाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपको। सो गाइस यार तुम्हारे भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, इतने सारे लोग देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, फॉलो नहीं कर पा, 3 लाख से भी ज्यादा जने देख रहे हो, और इसके भी 27,000 फॉलोअर्स हुए हैं इंस्टाग्राम पे, तो जल्दी फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, तुम्हारा भाई काफी अच्छी रील्स बनाता है, और आई होप कि ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और फेवरेट पार्ट कौन सा है कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।